एलिगेशन क्या है इनके ऊपर? एलिगेशंस ये है, लाटसिप के दो लड़कों ने मारपीट की और रैमसन अमाउंट की मांग की। क्या प्रॉब्लम? कि प्रॉब्लम यह है कि लाटसिप की क्रिमिनल अपील जो है SC ST की फ्रेश ऑर्डर के अगेंस्ट में लगती है। अरे भाई, कॉपी तो फाइल करेंगे आप? हाँ सर, वो मिस्टेक हो गई। और हमारे मांगे हमारे खुद कह रहा है कि उसके फोन से फोन लगाया आपने। व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट यू आर मेकिंग? ही इज हिमसेल्फ सेइंग कि आपने उसका फोन छीना, उसके फोन से फोन लगाया, उसकी एविडेंस के अगेंस्ट में आप बहस कर रहे हैं। दिस वन इज क्रिमिनल अपील इन फॉर्म ऑफ, दिस वन इज बेल एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ क्रिमिनल अपील मैटर जी। एंड अपीलांट इज बिहाइंड बार सिंस 23। तो अमाउंट डिपॉजिट में भी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द क्लाइंट। वो तो होता ही है। लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंट अपीलांट इज बिहाइंड बार माय लॉर्ड सिंस लॉन्ग बैक माय लॉर्ड मोर देन 1 ईयर। एंड अर्लियर क्या एलिगेशन क्या है इनके ऊपर? एलिगेशन ये है लाटसिप के दो लड़कों ने मारपीट की और रैमसन अमाउंट की मांग की। अर्लियर माई लॉर्ड 31/1/2022 को दिस ऑनरेबल कोर्ट प्लीज एंड डिसाइड माई अपील माई लॉर्ड एंड सेम वाज डिसमिस्ड ड्यू टू बिड नॉट बी लिबर्टी टू रिन्यू प्रेयर आफ्टर विक्टिम इज एग्जामिन्ड बिफोर ट्रायल कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ माई लॉर्ड ऑन 31/1/2022 माई लॉर्ड दिस वन इज ऑर्डर माय लॉर्ड। उसका विक्टिम एग्जामिन हो गई। विक्टिम एग्जामिन बिफोर ट्रायल कोर्ट माय लॉर्ड। आई हैव 5 कॉपी ऑफ डिपोजिशन शीट माय लॉर्ड। ये पढ़िए। आपने हाई कोर्ट के पहले ऑर्डर की कॉपी फाइल नहीं की? सर वो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है लॉर्डशिप। क्या प्रॉब्लम? ये है कि लॉर्डशिप की क्रिमिनल अपील जो है SC ST की फ्रेश ऑर्डर के अगेंस्ट में लगती है। अरे भाई, कॉपी तो फाइल करेंगे आप? हाँ सर, वो मिस्टेक हो गई। लेकिन मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा है पैरा नंबर 1 में, देखिए प्लीज सर। दिस एप्लीकेंट फर्स्ट क्रिमिनल अपील अंडर सेक्शन क्या था ये तो समझ में आए। हाँ सर, अर्लियर अपील CRA नंबर डिसमिस ड्यू टू नॉट ट्रस्ट माय लॉर्ड बिल लिबर्टी। कॉपी है ऑर्डर की? हाँ सर, मेरे पास दिखाइए। अब विक्टिम का स्टेटमेंट पढ़िए। I have filed copy of statement of victim as a document taking on record my lord. He is PW6 my lord. मैं रितिक सिंह वकील को जानता हूं जो ठाकुर जाति का है। मैं कोल जाति का हूं। मैं ईश्वर चंद विश्वविद्यालय जवा में प्रथम वर्ष में पढ़ता हूं। मेरी दुकान मड़वा में चौबे पंडित जी के घर के कमरा में है। मेरे पिता चंद्रपुर में टीचर हैं। मेरी माता कृषि विभाग में। घटना दिनांक 22/9/2021 को 6 बजे शाम की है। मैं 5 बजे अपनी दुकान में था तो अनुराग ठाकुर का फोन आया और उसने कहा कि मेरे गांव आओ, जवा चलना है, तुम उधर से घर चले जाना। अनुराग ठाकुर का गांव डोड़ी में है, स्कूटर गया। मुझे डोड़ी में हरजन आदिवासियों की बस्ती में बुलाया गया। वहां मुझे अनुराग ठाकुर और ऋतिक सिंह मिले। अनुराग ठाकुर इज ऑलरेडी इन लार्ज ऑन बेल महिला। ऋतिक मिले। अनुराग ने मेरी स्कूटर की चाबी लेकर बोला कि मैं चलाता हूँ, तुम बैठो। फिर अनुराग डोडो जंगल तरफ गया, वहां गाड़ी रोककर मेरा मोबाइल ले लिया और फोन लगाना। तब मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। फिर ऋतिक और अनुराग से ने अचानक से मारपीट करना शुरू कर दिया। मैं पूछता रहा क्यों मार रहे हो तो उन लोगों ने कहा शांत बैठो नहीं तो और मारेंगे। इन दोनों के पास एक एक कट्टा भी था। फिर ऋतिक सिंह कट्टा लगाकर बोला कि अनुराग मेरे 8 लाख रुपए रैनसम मांग रहे थे आप। लेकिन सर सिंपल मारपीट का केस है, उसको बात नहीं है जी। कॉल डिटेल्स आए होंगे ना कि आपने कॉल किया है? नहीं तो कॉल डिटेल्स बता दें। हमारी कॉल डिटेल्स से पैसे मांगा है, हमारे फोन से मांगा है। और हमारे खुद कह रहा है कि उसके फोन से फोन लगाया आपने। व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट यू आर मेकिंग? ही इज हिमसेल्फ सेइंग कि आपने उसका फोन छीना, उसके फोन से फोन लगाया, उसकी एविडेंस के अगेंस्ट में आप बहस कर रहे हैं। रेजिंग वॉइस विल नॉट हेल्प। नहीं नहीं मैं जी पढ़ना है सर जी, पढ़िए ना। मैं पूछता रहा क्यों मार रहे हो तो इन लोगों ने कहा कि शांत बैठ जाओ नहीं तो और मारेंगे। इन दोनों के पास एक कट्टा था। फिर ऋतिक सिंह कट्टा लगाकर बैठाया। अनुराग ठाकुर मेरे फोन पर मेरी मम्मी का नंबर ढूंढ रहा था और नंबर मिलने पर मेरी मम्मी को फोन किया। अगर आपका लड़का जिंदा चाहिए तो 8 लाख रुपए अभी चाहिए। तब मेरी मम्मी बोली कि तुम मत करना, हम 8 लाख का इंतजाम कर देते हैं। फिर अनुराग ठाकुर ने फोन बंद कर दिया, मेरा फोन अपने पास ही रख लिया। 15-20 मिनट बाद अनुराग ने फिर मेरी मम्मी को फोन लगाया और कहा कि अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। तब मेरी मम्मी ने कहा कि हो रही है। इसके बाद अनुराग मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर अनुराग फोन करके वहीं बैठ गया
और व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था, फिर मुझे पता चला कि पुलिस मुझे उसे ढूंढ रही है। फिर अनुराग मेरी मम्मी को फोन लगाकर बोला तुम्हारा लड़का अब नहीं मिलेगा। फिर उसने फोन बंद कर दिया। जब अनुराग को पता चला कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वह मुझे जंगल के अंदर ले गया। जंगल में मुर्गी फार्म था, वहां से आधा किलोमीटर मेरी स्कूटी छोड़ दी और रात भर जंगल में घुमाते हैं। 3-4 बजे डोडो के पास एक गौशाला में ले गए, वहां एक कमरे में मुझे बंद कर दिया और वह लोग भी कमरे के अंदर थे। फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और हम तीनों को थाने ले गए। फिर पुलिस ने थाने में बयान लिया कि मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद पुलिस घर जाने। मैंने पुलिस को अपनी जाति प्रमाण पत्र सो जब्त पत्रक में जब्त कराया। पुलिस के मेरा बयान न्यायालय में कराया था। ऐसे भाग पर मेरे बयान क्रॉस एग्जामिनेशन सर पैरा नंबर 8, यह सही है कि मेरी दो दुकानें हैं, जवा में है एक गढ़वा में है, दोनों दुकानों की देखरेख मैं ही करता हूं। यह सही है कि गढ़वा दुकान में जवा वाली दुकान में करीब 4-5 किलोमीटर है। घटना के समय घर जवा में था, मेरी जवा वाली दुकान में के बगल में था। जवा वाली दुकान 11 से 3-4 बजे जवा में गढ़वा दुकान के जानकारी अपनी माँ को दिया था। दुकान में करीब 4-4:30 बजे चला गया। गढ़वा वाली दुकान 4:30 गढ़वा दुकान में पहुंचने के 15-20 मिनट तक मैं दुकान में था। फिर कारों को खाद देने के लिए दुकान बंद करके गोदाम चला गया। मेरी गढ़वा वाली दुकान से गोदाम वाली किलोमीटर दूर है। उक्त बातें मैंने पुलिस को बयान में बताया, स्वयं बताया था। मैं 20 मिनट गोदाम में रुका, उसको वापस दुकान आ गया। 6 बजे तक था, 4 से 6 बजे तक मैं गढ़वा की दुकान में गोदाम में था। मेरी माँ को फोन एक भी बार नहीं आया। मैं अपनी माँ को 6:17 बजे फोन पर बताया था कि 4-5 लोग अपहरण कर लिए हैं, इन 2 आरोपियों के अलावा 2-3 अन्य लोग थे, मैं उन्हें नहीं जानता हूं, मैं यह भी नहीं जानता हूं कि वह लोग कहां के थे। मैंने उन तीनों का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वह मुंह बांधे थे। वह 3 लोग काली टी शर्ट और नीली लोअर पहने थे। तो वह तीनों अपने गाँव तरफ की भाषा बोल रहे थे। उन सभी बातें मैंने पुलिस बयान के समय पुलिस को बताई थी। मेरे सिर और पीठ में मारपीट के चोट के थे, शरीर के कोई भाग चोट नहीं थी। मैंने अपने उक्त दोनों चोटे डॉक्टर को दिखा दिया था। मुझे नहीं मालूम कि ग्राम पोथी घटनास्थल से कितनी दूर है। स्वतः कहा कि मैं वहां कभी नहीं गया था। पुलिस ने मेरा बयान सो एंड सो लिया। तेउथर में पुलिस को साक्षी को उसका पुलिस कथन 23/9/2021 15/11/2021 दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। जब आरोपी गणों ने मुझे जंगल में 6:30 बजे ले गए थे तब पुलिस ने उसे आकर मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें 4:30 बजे नहीं पकड़ा। पुलिस ने मेरा 15/11/2021 को कोई बयान नहीं लिया। यह सही है कि 15/11 को के मेरे पुलिस बयान में यदि यह लेख हो कि दिनांक 22/9/2021 को मैं घर में 4 बजे दिन में अपनी स्कूटी से गढ़वा बीज भंडार दुकान गया। वह अपनी दुकान पर बैठा, शाम के 3:30 बजे समय रहा होगा। मेरे मोबाइल पर लल्ली उर्फ अनुराग सिंह निवासी जवा D5 पढ़ी है, एग्जिबिट D5 पढ़ी है आपके पास, इसका पुलिस कथन का नहीं है। पुलिस को इसने कथन दिया है 15/11 को और एक कथन दिया है 22/9 को। 15/11 वाला है सर, आप पढ़िए। मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, एक वर्ष से पढ़ाई कॉलेज में कर रहा हूँ। मेरी बीज भंडार की दुकान है, चतुर्वेदी के संचालित है। मेरे पिताजी हाई स्कूल बंदरपुर कॉलेज शिक्षा के पद पर पदस्थ है। माँ मिर्जी कुल ग्राम सेवक थी, नौकरी करती है, जो वर्तमान समय में ढाबा में ही पदस्थ है। जी सर, क्रॉस एग्जामिनेशन का पैरा नंबर 17 और 18 भी देख लें प्लीज, पढ़िए जी। सर इसको पूरा कंटिन्यू पढ़ना? नहीं नहीं, आपने 17-18 बोला, 17-18 पढ़िए जी। यह सही है कि अनुराग सिंह उर्फ लल्ली मुझे घटना के पूर्व से परिचित थे और मेरे दोस्त हैं। मैं रीमा में पढ़ता हूँ, रीमा में 5 साल तक पढ़ा हूँ, फिर इंदौर पढ़ने चला गया। रीमा में जब पढ़ता था तो अनुराग सिंह उर्फ लल्ली मुझसे नहीं मिलता था। मैं ऋतिक सिंह मेरे साथ कभी नहीं पढ़ा, ना ही उससे मेरी कोई दोस्ती है। मैं घटना के पहले ऋतिक सिंह को जानता पहचानता भी नहीं था। आरोपी अनुराग सिंह उर्फ लल्ली सिंह ने मुझे ऋतिक सिंह का नाम बताया था। यह सही है कि उसके अपने दोस्त अनुराग सिंह उर्फ लल्ली के बताने पर ऋतिक सिंह का नाम
रितिक सिंह का नाम जाना और आरोपी रितिक सिंह का नाम पुलिस में लिखा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा ना? नहीं, ठीक है, वही तो पकड़ा है, साथ में तो पकड़ा है, आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, साथ में पकड़ा है। पांच लोगों का अपहरण करना बताता है, 15-11 के बयान को खुद ही कहता है कि ऐसा हमारा पुलिस ने बयान कोई नहीं लिया। 164 का बयान तो पढ़ ले, चलिए ठीक है, 5-11 का, 15-11 का बयान तो उसने खुद कह दिया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया जी, ठीक है मान लिया। जब 7-10 को उसने 164 का बयान दिया, उसमें तो कहा उसने, उसका आपने कहा कॉन्ट्रडिक्शन कराया इसमें? और आगे क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप और आगे नहीं, 164 का जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन उतना बता दीजिए। सर ये पैरा नंबर 27 देखें सर आप प्लीज पढ़ जी। यह कहना गलत है कि आरोपी ऋतिक अपहरण और फरौती मांगने में आरोपी अनुराग के साथ नहीं था, ना ही कोई मांग किया, ना ही कोई मांग में सहयोगी भूमिका निभाई। मैंने पुलिस कथन प्रदेश D4-D5 में यह बताया था कि मुझे डोडमो में हरिजन आदिवासी की बस्ती में बुलाया था, यदि उक्त बात लेख न हो तो उसका कारण नहीं बता सकता हूं। मैंने D4-D5 में ऐसा बताया था कि हरिजन आदिवासी की बस्ती से मुझे अनुराग और ऋतिक मिले थे, इस प्रकार का लेख न हो तो उसका कारण नहीं बता सकता हूँ। जो बात पूछा होता तो बता दीजिए, 164 के बयान का क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? उसने ये तो कह दिया कि नहीं दिया, उसने उसके हस्ताक्षर नहीं है इस पे जी। 164 तो कोर्ट के सामने हुआ है, उसका तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं इसका। कितने गवाह है टोटल इसमें? सर मैं छोटा सा निवेदन करूं। हाँ बताइए ना सर। इन दिस केस माय लॉर्ड, टोटल जो डिमांड्स वगैरह की बात आई है लल्ली और अनुराग सिंह के द्वारा फोन पे बात करने की आई है, एंड ही हैज बीन ऑलरेडी इन लार्ज ऑन बेल वेरी जुबनाइल बोर्ड माय लॉर्ड, एंड सो सो फार अदर थिंग यू आर ऑन में प्लीज टू आल्सो कंसीडर दैट द मेन विटनेसेस वर एग्जामिन फॉर ट्रायल फॉर माय लॉर्ड, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेंपरिंग द प्रोसिक्यूशन केस माय। वो सब कितने गवाह हैं टोटल? 20 सर। हां तो इसको है तो ये हो ही गए यहां पर। कब हुआ इसका बयान? अगस्त में हुआ, उसके बाद तो और कितने गवाह हुए सर? मैं और 4 महीने गुजर गए। नहीं नहीं आप पता मत करिए, हम सब पता कर लेंगे जी। आज मालूम करके बताइए कितने गवाह हुए। इसको ट्रायल एक्सपेडाइट करने के लिए कह देते हैं और कुछ नहीं है। लिखिएगा श्री घनश्याम पांडे लर्नेड काउंसिल फॉर दी अपीलेंट ऋतिक सिंह, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14A ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। नेक्स्ट। मैं विड्रॉ कर रहा हूं सर। हाँ हाँ, केस क्राइम नंबर 236/2021। ईएस जवाई सब लिख लीजिएगा ऑफेंस वगैरह। आफ्टर एट लेंथ एंड अनेबल टू कन्विंस प्रेस फॉर विड्रॉल एप्लीकेशन अपील इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। नेक्स्ट। ही मेक्स अ प्रेयर फॉर डायरेक्टिंग द ट्रायल स्पेशल जज टू एक्सपीडाइट द ट्रायल। स्टॉप दिस प्रेयर इज नॉट अपोज्ड। बोल कर दीजिए, बस 6 महीने में कंप्लीट करेंगे ट्रायल।